अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा शरफी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड बढ़िया सी रेसिपी। तो हो गई प्यारी सी सुबह और दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाई हूँ टिफ़िन में आज पोहा और चने या बटाने बनाती हूँ। तो मुजम्मिल ने बोले थे कि मम्मी छोले बनाना पोहे के साथ, है ना। तो आज मैंने पोहे के साथ बना दी हूँ बढ़िया से छोले। मुजम्मिल और रिजा को छोले बहुत पसंद है और अच्छे सॉफ्ट से बनाती हूँ मैं तो और अच्छे लगते हैं। तो आज पोहे के साथ छोले बनाई हूँ, है ना। तो इसी के साथ नाश्ते में भी यही बना ली सबके लिए और आगे दोपहर के लिए क्या बनाती हूँ वो भी बताऊँगी आपको। और बस बढ़िया सा व्लॉग दिन भर इसी तरह चलते रहेगा मेरा और रेसिपी को इसमें ज्वाइन करूँगी तो सब कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी इस व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ना मुजम्मिल की पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं मुजम्मिल के साथ गई थी। उसके बाद आते आते मुझे केक की शॉप में कुछ सामान लेना था, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। मेजरमेंट के हिसाब से जो है ना इतना साइज आ रहा है मेरा। ये ट्राई करो, ढूंढ लो जरा सा बेटा प्लीज। मीटिंग से सीधा इधर। हाँ, मुजम्मिल की स्कूल में गए थे, सॉरी कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग के लिए, वहाँ से सीधा मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे इस तरह का मोल्ड लेना है स्क्वायर में, मेरे पास है मगर ऐसे लंबे लंबे है तो स्क्वायर में चाहिए था ऐसा, वो मैं लेने के लिए आई हूँ। और आज बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाली हूँ तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। ये वाला ठीक है, बड़े बड़े तो है घर में, मीडियम साइज का होना तो वो नहीं लेते। क्राउन बहुत प्यारा लग रहा है, ये साइज जरूरत नहीं है। 190 बेकर इसका छोटा लिए ना, ये 190 और 160 है कसरा। तो फ्रेंड्स, मुझे ना ये वाला टिन चाहिए था और थोड़ा सा मिल्क मेड की ज़रूरत थी, कंडेंस मिल्क की, वो मैंने ले लिया। और मैं ढूंढती ही रहती कुछ ना कुछ चीज़ें, मुझे दिवाली पे छोटे छोटे से कॉइन या कप केक पर लगाने के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम चाहिए था। तो अभी इनके पास है नहीं, कस्टमाइज होकर मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम देखती हूँ। अभी चलते हैं घर, बहुत देर से निकले थे मुजम्मिल के कॉलेज जाने के लिए, तो बाकी का ब्लॉग मैं घर से कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फ्राइडे स्पेशल चिकन का कोरमा। दिल्ली का मशहूर चिकन कोरमा जो है वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, इसके लिए अच्छे से धो लिया है। और ये देखिए सारे अच्छे मसाले ले लिए हैं। तो करना क्या है, सारे अच्छे मसालों को ऑयल में डालना है ना, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। मसाले हल्के से चटकने लगेंगे ना, हल्के से गर्म हो जाएंगे, खुशबू आ जाती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का 1 टीस्पून है पेस्ट, और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ मैं इस ऑयल में डाल दूँगी ना। और उसके बाद उसमें चिकन ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी होता है, दिल्ली में मिलने वाला है मशहूर पुराने टाइप का जो दिल्ली का मशहूर कोरमा है ना चिकन का, वो बनने वाला है आज। तो रेसिपी को बिल्कुल देखिए, इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो सब कुछ डाल दिया मैंने, डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है फुल फ्लेम पे, और मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे फिर 10 से 15 मिनट के लिए। अभी तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, मिक्स करके छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने ढक दिया है चिकन को मीडियम फ्लेम पे। अब क्या करना है, ये मेरे पास भुना हुआ है ड्राई रोस्ट है, तेल डाल के फ्राई नहीं किया मैंने, धनिया है और बारीक किसा हुआ नारियल है, जो भी नारियल है आपके पास। और इसमें जो है ना वो डाला है मैंने ज़ीरा, 2 टीस्पून लिया है अक्खा धनिया, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून है, और नारियल भी 1 टीस्पून लिया है ना। सब कुछ मिला के हल्का सा भून लिया, इसका पाउडर बनाना है। फ्रेंड्स देखिए, मिक्सी जार में जो है ना धनिया, नारियल और ज़ीरा, इसका पाउडर मैंने पीस लिया है इस तरह से, ये पाउडर बन गया है। अब आगे का स्टेप बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये पाउडर तो मैंने बना लिया है, अब इसके बाद क्या करना है। ये लिया मैंने मिक्सी का जार, और ये मेरे पास है 2 बड़ी प्याज फ्राई की हुई है ना, गोल्डन फ्राई की हुई 2 बड़ी प्याज है, इसे मैंने डाला मिक्सी जार में। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी दही, है ना, खट्टा सादा जो दही है आपके पास वो दही इसमें ऐड कर देंगे। तो दही मैंने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका चिकना सा पेस्ट बना देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तली हुई प्याज और दही डाल के मैंने बढ़िया सा स्मूथ सा ऐसा पेस्ट बना लिया है। दही डालने की वजह से इसका कलर इस तरह से आया है। और ये जो है हमने धनिया वगैरह जो पीसा था वो पाउडर है, ये मैंने ले लिया है नमक, इसी में मैं डाल देती हूँ प्याज वाला ये पेस्ट। तो फ्रेंड, 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकने के लिए छोड़ा था चिकन को, तो ड्राई मसाले में अच्छे से पक गया है, और इसमें अदरक लहसुन भी हमने डाल दिया था। अच्छे से पकने के बाद जो है ना
ये जो हमने प्याज का पेस्ट पीसा है दही डाल के, धनिया, जीरा और नमक, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद जो है ना इसे अच्छे से मिला लेना है, तो बस बढ़िया से चम्मच के साथ मिक्स कर दूंगी, यानी कि पूरे किए कराए पे फिर गया पानी है ना, और जब ज़रूरत होगी इसमें तो ही पानी डालेंगे। अभी इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए सब कुछ मैंने मिला दिया इसमें और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी, जब तक कि इसे पकने देते हैं और ढक देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मैं इसे ओपन करके देखती हूँ हमारा दिल्ली वाला कोरमा जो है कैसा बना है ना। लंदन वाला केक बनाए थे पहले, इसके पहले वाली रेसिपी में ना मुकम्मिल दिल्ली वाला कोरमा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बढ़िया सा तेल निकल कर आया है, चिकन बहुत अच्छे से पका है और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी बढ़िया सा देसी घी, दानेदार देसी घी है, 1 टीस्पून मैं इसमें देसी घी ऐड कर दूँगी जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएंगे। और ये डाल दिया है हरा वाला धनिया, खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, मगर प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। आप देख सकते हैं रंगत इसकी, हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डाला है, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं, घर में रखी हुई सामग्री से बनाया है और बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा बना है ये हमारा दिल्ली वाला कोरमा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे है, आज है सैटरडे और आए हैं घर में अख्तर बाजी, बहुत दिनों से आए नहीं थे तो अख्तर बाजी आए हैं, तो आप लोग भी मिल लीजिए अख्तर बाजी से, है ना। तो हम लोगों को अच्छा लगता है जब भी आते हैं, तो मुजम्मिल रिजा को भी अच्छा लगता है और हम दोनों की बातें शुरू हो जाती है फिर इसके घर की उसके घर की सारी फैमिली की। दोनों की मंगनी का पूरा डला हुआ है, ऐसा मंगनी की पूरी वीडियो कैसे ली हो सीमा। तुम लोग घूमने गए थे कल क्या? हाँ कितना बड़ा था, आई आवेदा वाली क्या छोटी वाली में खूब रही। हाँ हाँ छुट्टी भी मिल जाएगी, रनिए को फोन कर रहे एक मिनट बैठ। वो रिजा के लिए गोभी बनाने वाली थी टिफिन के लिए, पेट में बहुत दर्द दर्द हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ तो फिर मैंने क्या करी, मैंने बोली रिजा तार लेगी जालो डब्बे में, तो उसने टिफिन में तार ली थी, चाय तो उसका गई, आज शायद जल्दी छुट्टी होंगी उसकी 3 बजे तक, तो जल्दी आ जाएगी, वो प्रोग्राम है फिर कुछ कॉलेज में। ओ कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो एक वाइट पेपर होना था ना मेरे को, हाँ मिल गया, तो बैक साइड से वाइट लिखी मैंने, ये डबल है क्या? नहीं डबल नहीं है, डबल है क्या मतलब? नहीं वो मोटी शीट है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ मेरा काम, कपड़े धो डाली थी ना मशीन में तो लाइट चले गई थी बीच में से। अच्छा और जब लाइट, मशीन का काम यही रहता है अगर लाइट चली गई तो काम रह जाता है, वैसे तो वेडनेसडे को लाइट जाती मगर आज भी चली गई थी। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ पैकिंग, जैसे कि इस तरह के जो बॉक्स होते हैं ना, गिफ्ट बॉक्स करना होता है इस तरह के जो भी बॉक्स रहते हैं, तो उसको मैं अक्सर बहुत अच्छे से पैक करती हूँ और हमेशा मेरी जो पैकिंग रहती ना तो सभी लोग को बहुत पसंद आती है, जैसे कि मेरे हाथ की रेसिपी होती ना वैसे मेरे हाथ की पैकिंग भी सभी को बहुत पसंद होती है। तो मैं आज जो है ना एक ये बॉक्स आप लोगों को मैं पैक कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से पैक करती हूँ ना। तो मैं अक्सर करके तो मैं एक जो कागज़ वाले है ना पैकिंग पेपर वो लाती हूँ, है ना, जिलेटिन कम यूज़ करती हूँ, ये कागज़ वाले में ज़्यादा, पन्नी वाले जो रहते हैं कलरफुल ना पैकिंग पेपर तो वो मैं कम लेती हूँ, ये कागज़ वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि कहीं शादी में देना है तो थोड़े से फ्लावर प्रिंट या बांधनी प्रिंट के रहते हैं ना, वो मैं शादियों के लिए यूज़ करती हूँ। आज बस मम्मी ट्रायल दे रहे हैं कि जैसे दिवाली में भी पैक कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम जैसे रिसेप्शन वगैरह में जाना है, कोई इनॉग्रेशन में जाना है, तो उसकी पैकिंग अलग करती हूँ डिफरेंट,
तो जैसे बर्थडे में जाना है, बच्चे का कोई फंक्शन है, तो कार्टून वाले बर्थडे वाले ला लेती हूँ ना। तो आज जो मैं पैक कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आज मेरे पास यही वाली शीट रखी थी, मैंने इसी से पैक कर रही हूँ। तो बताती हूँ, इसको भी आप बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। तो कैसे करूँगी मैं बताती हूँ। पहले मैं ये वाला पेपर लगा के पूरा बॉक्स को कवर कर लेती हूँ ना, पूरा बॉक्स को कवर कर लेती हूँ। आप लोगों को भी आता होगा ना अक्सर जब बॉक्स पैक करते, तो सबसे पहले ये यहाँ पर ऐसे टेप लगा के इसको स्टिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना हम पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है ना कागज़ वाली शीट ये अच्छी दिखती है, इसमें तरह तरह की जो है ना बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट आ भी जाती है। और अगर आपको प्रिंटेड ना भी मिले ना, तो आप प्लेन जो आता है पैकिंग पेपर, अगर वाइट भी है तो आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि अगर प्लेन सिंपल सा भी है तो उसे भी आप बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं ना। ये तो आपको पता ही है, इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉक्स को जो है ये मैंने इस तरह से पैक कर लिया। ये तो आपने भी पहले कभी पैक किया होगा तो पता ही है, तो मैंने पैक कर लिया। इसके बाद मैं इसे कुछ डिफरेंट लुक देना चाहती हूँ। तो ये मेरे पास प्लेन वाला रेड कलर का पेपर है इसके कॉन्ट्रास्ट में, तो वो मैंने कट कर लिया है ऐसे स्क्वायर में, और इसे मैं ट्रायंगल शेप में इस तरह से यहाँ पर लगा दूंगी। और जब ये चिपक जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं इस कॉर्नर को कुछ डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रेड वाला पेपर था इसे मैंने कट किया है स्क्वायर शेप में, और ऐसे ट्रायंगल शेप करके इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ना। अब इसे स्टिक कर लेते हैं, चिपका देंगे और इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ग्लू या फेविकॉल जो आपके पास है वो आपको यूज़ करना है। और मैंने ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद इसे मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी, है ना। चाहे तो हम सिंपल सा भी दे सकते हैं, अगर आपको पसंद है कि बहुत अच्छी सी कुछ पैकिंग करके देना है, तो कुछ डिफरेंट मैंने किया है देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो शीट से हमने पैक करे थे ऐसी ही शीट मेरे पास और है, तो मैं इसमें से जो है ना ये टेडी बेयर कट करके निकाल लूँगी, और निकालने के बाद ये रेड वाले पेपर पे स्टिक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना हैप्पी बर्थडे के जो है टॉपर, मैं अक्सर केक के लिए लाके रखती हूँ इस तरह से, तो मैंने बस इसे ही कट कर दिया है और पैकिंग पे यूज़ कर लिया है ऐसे, है ना। तो देखिए टेडी बेयर को मैंने जो कट करके निकाला था ये लगा दिया है, जो मतलब मेरे पास सामान था उसमें मैं पैक कर रही हूँ ना। अलग से मैंने कुछ नहीं लाया, ये शीट मेरे पास घर में थी, बॉक्स भी खाली घर में था। हाँ, बॉक्स भी था घर में। अगर फ्लावर वाली होती तो मैं फ्लावर का बंच कट करके इस तरह से, बच्चों के पास प्लेन कॉपीज या कोई नोटबुक होती है ना, तो मैं उससे भी यूज करके ऐसे फ्लावर वाले बंच लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये पैकिंग हो गई कंप्लीट, यहाँ पे चिपका देती हूँ इसे। और कुछ सामान है नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा सा कुछ सामान होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ में मैं बता रही हूँ, जैसे बॉक्स ले जाना होता है हमें, तो कोई ना कोई हम कैरी बैग देखते हैं अच्छी सी, जैसे पार्टीज में ले जाना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अक्सर करके ब्राउन पेपर वाली कैरी बैग्स आती है, तो जैसे कि ऐसी कोई कंपनी की आती है, कोई शॉप का नाम लिखा हुआ आता है ना हमारे पास, तो मैं वो सारी कैरी बैग को कभी नहीं फेंकती हूँ। जब भी कोई पेपर बैग मेरे यहाँ आते हैं कोई भी शॉप के नाम लिखे हुए, मैं कभी उसे वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको संभाल के रखती हूँ। और अभी मैं देखिए कोई कंपनी का लोगो है ये, तो इसे मैं छुपा दूंगी। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ये वाली कैरी बैग पे जो है ना मैं ये वाला पेपर लगा दे रही हूँ। अक्सर मैं ऐसी ही पैकिंग पेपर, ये पैकिंग पेपर जो है ना मैं होलसेल से लाती हूँ कागज वाला, तो मुझे 5 से 6 रुपए का मिलता पर पीस, है ना, 5 से 6 रुपए का पर पीस मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, अक्सर 12 पीस ला लेती हूँ, या घर के पास से जब मंगाती हूँ मैं, तो ये सिंगल अगर लेते हैं ना आपको 10 रुपीज की शीट मिलती है, 10 से 15, फिर वो लोग अपना रेट। हाँ, तो मैं 12 पीस ला लेती हूँ, ये वाली शीट थी मेरे पास। तो कैरी बैग को क्या करती हूँ मैं, हमेशा जो भी मेरे पास कैरी बैग होती है उससे ये वाली शीट से उसे कवर कर देती हूँ। तो जब भी आप मार्केट में पेपर बैग खरीदने जाते हैं, तो ये पेपर बैग जो इतना बड़ा पेपर बैग आपको मिलता है, 70 से 80 रुपए का फैंसी पेपर बैग मिलेगा। अभी तो काफी 200 का जो है ना, नहीं मिलता 200 का, इसको कुछ मिलता था ये मुझा मिलना बहुत परेशान करते थे। फ्रेंड देखिए, ये जो कैरी बैग है, तो इतना बड़ा कैरी बैग, जैसे कि इसमें एक बॉक्स आ जाए ड्रेस का, तो ये कैरी बैग आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 70-80, ज्यादा अगर फैंसी रहा तो 100 का भी मिलता है। तो देखिए, बच्चों के लिए जब बनाना है तो मैं ऐसे कार्टून प्रिंट वाले लगा देती हूँ और कैरी बैग तैयार कर लेती हूँ। ये जो पेपर है मैं होलसेल से लाती हूँ, तो 5 से 6 रुपए का मिलता है वहाँ पर, मैंने 12 पीस लेती हूँ तो। और अगर सिंगल पीस मैं घर के पास से लेती हूँ तो 10 रुपीज की कागज़ वाली शीट मिलती है ना। पेपर बैग तो फ्री के ही रहते मेरे पास, जो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ,
तो ये पेपर बैग पे मैं ये शीट लगा देती हूँ, तो ये 10 रुपए में कैरी बैग तैयार हो जाती है, पेपर बैग सिर्फ 10 रुपए में आपके लिए। और मार्केट से लेने जाएंगे 70-80 रुपए का, 100 रुपए का ऐसा मिलता है। तो कम बजट में मेरी ये पैकिंग होती है और मेरी पैकिंग सबको बहुत पसंद आती है। और शादियों में फैंसी देना होता है ना, तो मैं इस पे शाइनिंग वाले अच्छे अच्छे जो ग्लिटर वाले चमकी वाले आते ना, तो वो लगा देती, तो बहुत ही खूबसूरत दिखते वो। तो इस तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ से लगाऊंगी, तो मैं यहाँ से लगाऊंगी, देखो मुजम्मिल। हाँ, ये जो पार्ट है ये प्लेन छोड़ूंगी मैं, है अच्छा दिख रहा है और नॉट पकड़ने के लिए भी इजी है। कलर है, नॉट के ऊपर से पैकिंग करने में प्रॉब्लम जाती है, इजी भी होंगी पैकिंग और एक पैटर्न भी बन जाएगा ना, ये प्लेन पट्टा दिखेगा यहाँ से। हाँ, और इसे मैं ऐसे यहाँ से कवर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक साइड से जो है ना मैंने पेपर को ऐसा चिपका दिया है कैरी बैग पे, और दूसरे साइड से जो है ना दूसरे साइड से भी चिपका देती हूँ, है ना, दूसरे साइड से भी ऐसे चिपका दूंगी इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों साइड से मैंने जो है ना पेपर को स्टिक कर दिया है, और बाकी के जो कॉर्नर बचे है इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। बीच में से ये जो प्लेन दिख रहा है तो ये पैटर्न भी दिखेंगे और अच्छे से कैरी बैग पैक भी हो जाएंगे ना। इसे ग्लू लगा के अभी चिपका देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने जो है ना ये बढ़िया सी कैरी बैग तैयार कर लिया है ना। हर तरीके के फैंसी फैंसी पेपर मिलते हैं, आपको जैसा चाहे आप लगा सकते हैं अपनी पार्टी के ओकेजन के हिसाब से। तो मैंने देखिए इस तरह से कार्टून वाला लगाया है और बहुत ही प्यारी सी ये कैरी बैग बना लिया है इस तरह से। ये बॉक्स इसी के मैचिंग जो है ना मैंने जो है पैकिंग पेपर जो लगाया है बॉक्स पे, गिफ्ट बॉक्स पे, उसी की मैचिंग मैंने कैरी बैग बनाया है। ये गया हमारा गिफ्ट, ये हमारी कैरी बैग, और बढ़िया सा गिफ्ट तैयार हो गया ना। जब भी आपको कहीं जाना है तो आप भी सेम इसी तरह करिए, 10-15 रुपए की बजट में आपकी ये कैरी बैग बन के तैयार हो जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह आगे। अभी तो मैं पूरा, अगर और आपको कुछ पैक करना बताती तो मतलब कि और भी टाइम हो जाता था ना। तो इंशाल्लाह ये दिवाली के लिए मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम ग्रीटिंग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सब कुछ अच्छा लगा अगर आपको, अब पैकिंग पसंद आई, मेरी रेसिपी पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।